स्वागत है यहाँ पर आने के लिए और आज हम इंजॉय करेंगे। आज मैं ज्ञान नहीं बांटने वाली, ठीक है। आज हम इंजॉय करेंगे, हंसेंगे और शायद इस दुनिया में मेरे अम्मी अब्बू को पता है मेरी एक ही चीज फेवरेट है, वो कहते भी है सुबह उठ के रात को सोने से पहले ये एक चीज के बारे में सोचती है, वो क्या है? खाना। तो आज हम बात किसकी करेंगे? खाने, ठीक है। मिश्रा जी और मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और ऊपर वाले का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा उन्होंने क्या किया, हमको लंच दिया, है ना, सबने खाया पेट भर के। हाँ, और अभी नींद भी आ रही होगी क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, खाना खाने के बाद हमें नींद आती है। तो सब खड़े हो जाइए एक बार प्लीज, थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो शुरू हो जाता है, सब अच्छे से खड़े हो जाइए। सबसे पहले आपको सांस लेनी है पांच बार, ठीक है। लेकिन अभी सांस लेने का तरीका भी थोड़ा अलग, क्योंकि हम डीएक्सएन वाले हैं ना, सब कुछ क्या करते हैं, हट के, बिल्कुल। तो आपको सांस आपके नाक से लेनी है, ठीक है। पर आप जब सांस रिलीज करेंगे या जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपको पेट से बाहर छोड़ना है। मैं एक बार करके बताती हूँ, हम ऐसे करेंगे पांच बार, ठीक है। तो आपको सांस ऐसे लेनी है, ठीक है, करेंगे सब लोग साथ में, चलो। वन, सेकेंड, वेरी गुड, थैंक यू। सब बैठ सकते हैं, बिल्कुल। ये जो हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज किया अभी, ये मैं आपको वापस आधे घंटे बाद भी कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई सो जाए, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बहुत दूर से आई। और दूसरी बात, ये जो अभी हमने पांच सांसों का जो एक्सरसाइज किया है, ये एक अभी उस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। मैं ना बहुत ऐसे साइंटिस्ट को ढूंढ रहे थे, क्या कहा नया चल रहा है, अभी रिसर्च कर रहे हैं। और सिर्फ ये जो पांच सांस लेने का तरीका था, जिसको कहते हैं माउथ ब्रीथिंग, आप कोई भी होम मीटिंग में जाए सबसे पहले उनको बैठा के ये कराए। इससे क्या होता है, जो भी दिमाग के थॉट्स पहले से ही अंदर रहते ना, जो आप एक इंसान को देखकर जज कर लेते हो, हाँ अभी ये बोलेगी, प्रोडक्ट खरीदने बोलेगी, इतना पॉइंट के गेम में लड़ाएगी, ये सब करेगी, ये जो इंसान आपके बारे में सोच लेता है, जब आप ऐसे सांस का लेते हो तो वो सारे ख्यालात और जितने भी वो प्री थॉट्स जो रहते हैं वो आपके दिमाग से निकल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो फिर आधे घंटे बाद में आपसे यही करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, नाक से आपको सांस लेनी है और मुंह से बाहर रिलीज करना है, ठीक है। आज है एक्चुअली लास्ट संडे हो गया 8 मार्च, बट इतना मजा नहीं आया कि हम साथ में जमे नहीं उस दिन, है ना। आज हम एंजॉय करेंगे क्योंकि आज है हमारे डीएक्सएन की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अजय सिंह सर जी बहुत ज्यादा उसके बारे में हमको हिस्ट्री बता रहे थे और ये बहुत जानना जरूरी है। हम हमेशा एक दिन जो हमारी महिलाएं होती है उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको फूल देते हैं, उनको यू नो अच्छा फील कराते हैं। हमने भी मम्मी को किया, थोड़ा सा गिफ्ट दिया, ये किया, दूसरे दिन वही नाटक चालू। अरे क्या है मम्मी, क्यों परेशान कर रही है, पापा को ये बताए क्यों मेरी जान खा रही है, ये होता है ना सबके घर में होता है। एक दिन थोड़ा वो डाल दिया हमने सोशल मीडिया पे, हाँ मेरी माँ मेरी जन्नत, और दूसरे दिन से फिर गायब, है ना। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है और होता है, पर मेरे हिसाब से जब तक हम महिलाएं, हम लेडीज, हम लड़कियां खुद की वैल्यू करना नहीं सीखेंगी ना, बाहर वाला नहीं करेंगे। जब तक आप खुद को कमजोर, कम, किसी से अलग, किसी से कम समझना सीखेगी, अपने आप को सोचते रहेगी ना, कोई बाहर वाला आपकी उतनी इज्जत नहीं करने वाला। हमें पहले खुद की इज्जत करना सीखना है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद आपको किसी ने कभी ये कहा नहीं घर पे हाथ पकड़ के कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम जैसे भी हो बहुत सुंदर हो, तुम जो भी करती हो ना बहुत अच्छा करती हो। और ये शायद हमें किसी ने सिखाया भी नहीं कि
कहना है, शेयर करना है, तो आप दो दो मिनट, मेरे पास भी टाइम ज्यादा नहीं है, तो आप उसमें से दो दो मिनट लेके वो चीज बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आज हम खुद को सेलिब्रेट करेंगे, मेरा ध्यान इस तरफ ज्यादा रहेगा, प्लीज आप गलत मत समझना, पर आप इसमें से शायद कुछ चीजें लेके जाके अपने घर की जो महिला है उनको बता सकते हो। तो सबके सपने हैं, ख्वाहिश है, मेरा ना एक ही सपना है, मुझे घूमना है, दुनिया घूमना है मम्मी मुझे, ओके मुझे बाहर जाना है, मुझे सब कुछ देखना है, अलग अलग देशों का खाना खाना है। और शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भी वही चीज करना है, करने की नहीं करना है, किसको जाना है बाहर, क्या बात है आंटी, दो हाथ बिल्कुल, सबको बाहर जाना है और अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, दुनिया बहुत सुंदर है। और डीएक्सएन आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। अब आपके वो सपने, आपकी वो ख्वाहिश है, आपको जो बनना है लाइफ में, आपको जो करके दिखाना है, फिर वो भले शायद फैमिली वालों को नहीं हो, पड़ोस की आंटी को नहीं हो, शायद आपको खुद को करके दिखाना, और वो प्लेटफॉर्म आपको डीएक्सएन देता है। तो और साथ में करने के लिए ऐसा जरूरी है कि बहुत आपको एरिया घसनी पड़े, बहुत परेशान होना पड़े, नहीं, यहाँ पर चीजें आसानी से सिस्टमैटिक तरीके से एक अच्छी सिस्टम के साथ, एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी के साथ, एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ ये चीजें हो सकती है। और ये आज मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, डीएक्सएन में ऐसे 3 क्राउन एम्बेसडर है जो 2020 में बने थे और उन्होंने ये करके दिखाया है। एक लेडी है जो शायद घर के बाहर नहीं निकली है, बट आज वो डीएक्सएन की क्राउन एम्बेसडर है। कुछ ऐसी लेडीज है जिनके फैमिली वालों ने उन्हें एंड तक सपोर्ट नहीं किया, पर आज वो क्राउन एम्बेसडर है। तो सिर्फ कहने के लिए ये बातें नहीं है, ये बातें हो चुकी है, ये चीजें हो चुकी है, ये विक्ट्री जो कहते हैं ना वो हासिल हो चुकी है। और अब किसकी बारी है, मुंबई महाराष्ट्र की, आवाज आनी चाहिए जोर से। तो आज हम खाने की बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत लेक्चर ले लिए और सीख लिया, जब तक आप खाने की बात नहीं करते हो ना किसी को सुनने का मन नहीं करता, क्यों शफी लग खाना सबको पसंद है, ठीक है। फिर वो सुबह का सबसे आप खुलते हुए, मेरा तो लिटरली मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा पेशा है खाने पीने का, डॉक्टर जैसा कहते हैं हमें, है ना, कि क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कभी कभी लगता है कहाँ फंस गए, खुद ही नहीं खा पाते क्या पसंद है वो, है ना। लोग कहते हैं अच्छा तुम डाइटिशियन हो, तुम कैसे खा रही हो ये, अरे तो मैंने अपने दिमाग के लिए कॉन्सेप्ट बना लिया, कोई खाना बुरा नहीं होता, ठीक है। फिर वो पिज्जा बर्गर क्यों नहीं हो, दाल मखनी क्यों नहीं हो, चिकन टिक्का क्यों नहीं हो, कोई खाना बुरा नहीं होता। हाँ, कुछ खाने पौष्टिक आहार में ज्यादा होते हैं और कुछ खाने कम, इतना ही फर्क है। पर आप अगर जोड़ लो, मेरे पापा कहते हैं 80-20 कर लो, 80 आप अच्छा खाना पौष्टिक आहार वाला खा लो, 20 जो आपको थोड़ा चटके के लिए चाहिए, जो जुबान चाहती है वो चाहिए, आप थोड़ा वो मिक्स मैच कर लो, और फिर ये सुपर फूड्स ले लो जो बॉडी को साफ कर देते हैं, तो आप शायद सही, ओके। तो कौन सुबह उठ के सबसे पहले ऊपर वाले को धन्यवाद करता है कि तुमने मुझे रात भर नींद दी और आज मेरी आंखें खोल दी, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये शायद हमारी संस्कृति में ही बसा हुआ है, अब कोई भी धर्म उठा लो सब यही कहता है सुबह उठ के पहले क्या करना है, प्रार्थना करनी है। सबसे पहले आपको ऊपर वाले का बस शुक्रिया करना है, जो ये एटीट्यूड है, अगर आप ग्रैटिट्यूड का रखोगे, एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब क्या, शुक्रिया करना, धन्यवाद देना किसी भी चीज का, क्यों नहीं हो, सामने वाला क्यों नहीं हो, आपके घर में जिसने खाना बनाया उसका क्यों नहीं हो, ऊपर वाले का क्यों नहीं हो, आपको सबको शुक्रिया देना है। और सबसे पहले तो उसका देना है, अन्नदाता वही है आज, जो भी है, हम जो भी है उन्हीं की वजह से है, तो सबसे पहले शुक्रिया देना चाहिए, इतनी अच्छी मशीनरी बना के दी है। जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी, रफीक सर ने समझाया था ना, एक एक चीज, एक एक पुर्जे की क्या कीमत है, जिसके पास नहीं आप उसको देख के देखो, उसको पूछ के देखो कि हर एक चीज की क्या कमी है। किसी अंधे को देखा हो ना, तो अंधे को देखते हैं हम स्टेशन पे, हाथ में रोंगटे उठ खड़े होते हैं, क्यों, क्योंकि आज ये नहीं होता तो इतने सारे
मिसल पाव, वड़ा पाव, समोसा पाव, दाबेली पाव, हर चीज कबाब पाव, हर चीज पाव, है ना। आज यहाँ पर नहीं था पर मुंबई में हम जाने जाते हैं पाव के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मुंबई का लाइफस्टाइल ही वैसा है ना। हमें क्या चाहिए, झटपट। हाँ भूख जरूर लगी है, लेकिन अगर मैं भोजनालय जाता हूँ, 60 रुपया देता हूँ और वो एक राइस प्लेट खाता हूँ, आधा एक घंटा निकल जाएगा। बॉस मुंबई में आधा एक घंटा किसके पास है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 15 रुपए का वड़ा पाव खा लूं और चलते बनू। तो मुंबई में शायद ये बहुत आम बात है, जो दोस्त रिश्तेदार जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हर चीज में क्या पाव खाते हो तुम लोग, रोटी खाओ कभी, है ना। वो बात सब बहुत बड़ी कॉमन सी बात है, पर हमारे मुंबई में यही बहुत आम चीज है। पर शायद अब वो बात आ गई है बदलने की, ठीक है, उस चीज को थोड़ा सा आपको चेंज करना है। क्योंकि हाँ वड़ा पाव पहले तो चल गया, पुरानी सदी में तो चल गया, पर अभी बात अलग है। अभी हमारा जो एनवायरमेंट है, हम जिस तरीके से रह रहे हैं वो थोड़ा सा गलत जा रहा है, इसको थोड़ा सा सही करने की बात आ रही है। अब वड़ा खाओ मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं भी खाती हूँ कभी कभी, पर आपको जिस तरीके से खाना है वो थोड़ा सा हमें चेंज करना है। ये सारी चीजें हम इंजॉय भी कर सकते हैं, ये जो खान पकवान की चीजें हम खा भी सकते हैं, पर साथ ही साथ हमें क्या करना है, अपने शरीर का ध्यान भी रखना है। इसको रेगुलरली मतलब हर एक इंटरवल में क्या करना है, साफ सफाई करते रहना है। घर तो सब इस्तेमाल करते हैं, है ना, घर गंदा भी होता है, पर घर को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। वैसे ये बॉडी है, हाँ हम जब इसको रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी इसका यूज करके ले रहे हैं, जो चाहिए वो हमें नहीं दे रही है, तो हमें क्या करना है, इसको साफ करना है, स्कैन करते रहना है, कचरा बाहर निकालना। तो आप जो खाते हो आप वो वही हो, और आप जो खाते हो उसमें से जरूरी भी है कि आप जो खा रहे हो वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, यानी जो बॉडी को चाहिए, शरीर को जो चाहिए वो मिले। हमें जो डालना है हम डालेंगे, वड़ा पाव, सोडा, लस्सी, छाछ, गुड़ वाली चाय, मैंने देखा है दादर ऑफिस के बाहर बड़ी फेमस है गुड़ वाली चाय, है ना, गुड़ वाली चाय हो गई, जो चीज मिले वो हम डालते जाते हैं, पर इसे साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई खाना बुरा नहीं होता, कुछ खाने की चीजें अच्छी होती है, कुछ पौष्टिक आहार में कम होती है और कुछ ज्यादा होती है। अब जब खाने की बात करते हैं तो आपके किचन में कौन है मालिक बताइए, घर की जो स्त्री होती है वही किचन की मालिक है, बिल्कुल, है ना। उसके अलावा वहां से कोई बर्तन हट भी सकते हैं। आज ही हम सुबह में बात कर रहे थे, पापा मुझे वो खाना है, मम्मी से पूछ लो बेटा देगी तो ठीक है, वरना हमें नहीं पता। तो ये बात है, किचन की कोई चीज यहाँ से आप वहां भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सब हाथ के बराबर की होती है, आप चीजें वहां पर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये जो लेडीज होती है बहुत ध्यान से अपना किचन संभालती है, बहुत ध्यान से अपना किचन सजाती है, वही टाइप के बर्तन, उनके मसाले एक जगह होते हैं, उनका नमक एक जगह होता है, उनका शक्कर एक जगह होता है, तो कोई चीजें यहाँ की वहां हो ना बर्दाश्त नहीं होता, कुछ तो हो जाता है बिल्कुल अलग सा, है ना। सो वुमेन जो होती है, वो लेडीज जो होती है, वो सबसे पहले तो अपने किचन की प्राइम मिनिस्टर होती है, घर की भी होती है पर मेन एरिया हेड ऑफिस का होता है किचन में होता है, ठीक है। और यहाँ पर सारे काम होता है, फैमिली की भी चीजें होती है, इंडिविजुअल भी होती है, बहुत सारी, आप यकीन नहीं मानोगे बट समवेयर अराउंड 40% वुमेन औरतें मुंबई की जो है वो जो बिजनेस रन करती है ना, वो भी कहाँ से करती है, किचन से। आप कोई भी स्टेशन के बाहर जाएंगे आपको 1 से 4 औरतें लाइन में दिखेंगी, क्या दे रही है सुबह में, पोहा, उपमा, शीरा, क्योंकि सबको क्या है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की जरूरत है। फिर वो बच्चे क्यों नहीं हो, कॉलेज स्टूडेंट्स क्यों नहीं हो, पर उनको क्या है, खाने की जरूरत है। तो ये वुमेन अपना बिजनेस रन कर रही है और इसे बहुत कुछ सीखने को, जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करती है, जिस तरीके से वो अपने कस्टमर से बात करती है, बहुत अच्छा टाइप का वो चीज है, स्टार्टअप ही है ना एक टाइप का, उनको हम ये नहीं करते पर वो एक टाइप का स्टार्टअप ही है। तो वहां से करियर भी शुरू होता है, वहां से सोशल लाइफ भी बहुत सारे लोगों का शुरू होता है। अब बदलाव कहाँ पर आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही हम 21वीं सदी में पूरे अंदर होते जा रहे हैं, वैसी सारी चीजें क्या हो रही है, रोबोटिक हो रही है। पहले आपके घर में दूध कौन लगा देता था, शायद कोई काका होंगे, कोई रामू काका होंगे, अब कौन लाके देता है, स्विगी, इंस्टामार्ट वाला, ब्लिंकिट वाला, और दूसरा क्या है, डंकिट, जिपहाम, जेप्टो, अलग अलग टाइप के, जो 10-20 मिनट में आपके घर में दूध लाके देते हैं, है ना। अब कोई चीज की आपको बाहर निकलने की घर से जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्या हो रही है, रोबोटिक हो रही है। सारी चीजें कहां पर आ रही है, मोबाइल के अंदर
जरूरी है, सुपर फूड होना जरूरी है। हमारी बॉडी से हम बहुत ज्यादा मांग रहे हो, बॉडी को उतना दे नहीं पा रहे, अब बड़ा भाव से काम नहीं चलेगा बस, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये खाने का जो हमारा तरीका है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर मैंने क्या डाला है, हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों डाला है कोई बता सकता है? क्यों वहां पर मैंने इंश्योरेंस का ये डाला? क्यों जरूरी है इंश्योरेंस? जब आप ऐसा टाइप का हम खाना रोज के इसमें खाते हैं, 80-20 को जो अच्छा पौष्टिक खाना है वो हम सिर्फ 20% खाते हैं और 80% हम कम पौष्टिक आहार वाला खाना खाते हैं, तो शायद आपको आधार कार्ड की नहीं पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपको कहां लेके जाएगा, आपके नजदीकी अस्पताल में, और वहां पर आप एक बार अंदर चले गए तो बाहर आना मुश्किल है। मैं डरा नहीं रही, मैं खुद भी ये सोच के बहुत परेशान होती हूँ। हॉस्पिटल में काम भी करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि लोग कितना सफर करते हैं ये सारी चीजों से, बस क्योंकि कोई एक टाइम पे जब उनके पास ऑप्शन था कि मैं वड़ा पाव खाऊं या राइस प्लेट खाऊं, उन्होंने किस चीज को चूज किया था? वड़ा पाव। और टाइम बचाने के चक्कर में आज वो टाइम कहां जाया करना पड़ रहा है? हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये जो चॉइस है ये आप सबके पास, मेरे पास, हम सबके पास हमेशा होता है कि मैं क्या करूं, किस चीज की तरफ जाऊं। हमें बस समझना चाहिए कि कौन सा चीज हमारे लिए ज्यादा पौष्टिक है। आज हमारे खाने में ये सारी चीजें हैं, शक्कर है, नमक है, चीज है, सॉल्ट है, पता नहीं कौन से चीजों का तेल निकाल के डालते हैं, अलग अलग सब्जियां, हर अलग अलग नट्स हर महीने आ जाते हैं और उनका हेल्दी ऑयल बन के उस खाने में आ जाता है, और उसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, जो अभी इब्रत दीदी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, रिजल्ट ये है, वो कम पौष्टिक आहार का खाना खाओगे तो ऐसे हो जाओगे, ज्यादा पौष्टिक आहार वाला खाना खाओगे तो ऐसे। सिंपल किया, पर ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, दिखाना बहुत आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम सीखेंगे हमें कर कैसे सकते, ये है हमारे इंडिया के पकवान, है ना, जो आज खाया वैसे ही लग रहा है ना कुछ थाली में, ठीक है। तो इंडिया के जो फ्लेवर्स है, इंडिया का जो टेस्ट है, इंडिया जाना ही क्यों जाता है दुनिया में, क्यों जाना जाता है? वो अंग्रेज क्या ढूंढते आए थे? स्पाइस और मसाला ही तो ढूंढते आए थे, कपड़ा और स्पाइस, है ना, सोने की चिड़िया को ढूंढते हुए आए क्यों थे? कपड़ा और स्पाइस के लिए, मसालों के लिए। आज हमारा अगर देश जाना चाहता है तो उसके पकवानों के लिए जाना चाहता है, और सच में हमारा खाना बहुत ज्यादा पौष्टिक है। हमारे जो किसान जो चीज उगाते हैं जिनको कहते हैं मिलेट्स, शायद आपको पता नहीं होगा, ये जो साल है हमारे पीएमओ ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये ईयर ऑफ मिलेट्स है। मिलेट्स मतलब कोई बता सकते हैं यहाँ पर? बाजरा, ज्वार, नाचनी, कुड्डू, समय, ये जो अलग अलग टाइप के। आज हमें क्या पता है घर के, अगर आप बच्चों को पकड़ के पूछो खाने में क्या रहता है, चावल और रोटी, है ना, पर हमारे पुराने जमाने में आप शायद बचपन से क्या खाते हुए आए हो, भाकरी, रागी की भाकरी, ज्वार की भाकरी, नाचनी भाकरी साथ में मिक्स की हुई, है ना, ये सारी हमारी असली जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं छूट रही है क्योंकि हमें वड़ा पाव मिली है। बिल्कुल, तो आज वो चीजें अगर आप ला सको वापस तो बिल्कुल लाने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, जिंदगी में पीएमसी के साथ आपकी असली प्लेट जो है खाने वाली वो भी पौष्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, हमारे जो ओरिजिनल पकवान है वो भी बहुत आपको लाना जरूरी है। भाकरी की जो रोटी होती थी, अगर यहाँ पर जो गुजराती होंगे तो उन्हें पता होगा उंधियो करके होता है, ठंडी के समय में बनता है उंधियो, है ना। सारी जो अब की ठंडी की जो पौष्टिक जो सब्जियां होती है वो, और बीन्स, ये सबको, बीन्स यानी अब की चवली हो गई, मूंग हो गया, ये सारी चीजें साथ में लेके उसको पकाया जाता है और वो क्या अच्छी चीज लगती है, मतलब उससे ज्यादा कोई टेस्टी चीज मैंने नहीं खाई है। तो ऐसी चीजें जो शायद आपने पहली खाई होगी, थोड़ा समय निकाल के उसको बनाना स्टार्ट कीजिए। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि हर टाइम आपके घर का खाना हेल्दी नहीं होता, बट पहले हुआ करता था, और इसीलिए पहले के या अभी भी आप जो रूरल एरिया में जाएंगे, यानी गांव खेड़ा एरिया में जाओगे, तो वहां पर वो किसान वही चार भाकरी, थोड़ा सा कुछ सब्जी खा के पूरा दिन निकाल बैठता है।
है, साफ खाना मिलता है। तो वही हमारी चीज है, जो हमारी पुरानी पुश्तैनी चीजें थी उसे शायद वापस लाने का समय आ गया है। तो आप ऐसी चीजें ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं वुमेन की तरफ, मैंने बताया कि घर में साफ सफाई करना, सब कुछ सेट कर रखना, समेट के रखना काम किसका है? लेडीज का है। अगर कोई घर में नई चीज हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, या कहे कि कुछ तकलीफ हो घर में, या कोई अनबन हो जाए, तो भी काम किसका है? समेट के रखना किसका है? घर की स्त्री का, लेडीज का। साथ ही सारे काम एक साथ करना, बच्चे का एग्जाम भी है, पति के लिए टिफिन भी बनाना है, सासू माँ को चाय भी देना है, ये सारे काम एक समय पे करना, काम किसका? स्त्री का, है ना? तो इससे क्या कहेंगे, वुमेन क्या है? बैलेंसर है, सब चीज बैलेंस करके रखती है। वुमेन क्या है? एडेप्टोजन है। एडेप्टोजन मतलब कि कोई भी नई चीज क्यों नहीं हो जाए, कुछ नया क्यों नहीं हो जाए, बट झट से वो जाके चीजें सब वापस से बराबर यानी नॉर्मल करने की कोशिश करती है। काम किसका? वुमेन का। और मल्टीटास्किंग, एक साथ तीन चार काम करना, काम किसका? वुमेन का। यहां पर कौन है? कौन से देखिए, थोड़ा सा समय ले सकते हैं। यहां पर एक स्त्री है और उसके बाजू में उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका साथी, जो शायद डॉक्टर लिम ने बहुत सालों पहले